हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने इवाना का फ़ोटोशूट कैसे की, और मेरे इस वीडियो से आप भी कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं फ़ोटोशूट के। सो मेरे पहले फ़ोटोशूट के लिए मैंने ये बास्केट रेडी करी। ये वुडन बास्केट है, आप चाहें तो प्लास्टिक की भी बास्केट यूज़ कर सकते हैं। इस बास्केट में मैंने सबसे पहले एक कुशन डाल दी, आप चाहें तो ब्लैंकेट भी डाल सकते हैं। आप इतना श्योर करिए कि आप उस बेस में जो भी डाल रहे हैं वो अच्छा सॉफ्ट रहना चाहिए ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे। उसके बाद मैंने पूरे साइड्स में फ्लावर डाल दी। ये फ्लावर मेरे घर पे रखे हुए थे, सो आप चाहे तो अपने घर पे भी रखे हुए कोई भी फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बास्केट के एक एज पे 4 फ्लावर्स डाली और दूसरे भी एज में 4 फ्लावर्स डाली। मैं कंप्लीट बास्केट में नहीं डाली, आप चाहे तो कंप्लीट बास्केट को भी फ्लावर से कवर कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फ्लावर्स थे जिनके स्टेम थे, लॉन्ग स्टेम थे, इसको मैंने कॉर्नर कॉर्नर में डाल दी। आप चाहे तो दूसरे कलर का भी फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो, जो भी फ्लावर आपको पसंद हो। मुझे ये कलर पसंद है और मुझे लगता है कि ये फ्लावर के साथ पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आएंगे। ये एक छोटा बैंड रेडी करी मैं, इसमें मैंने येलो कलर के फ्लावर्स डाल दी जो मैं अपनी बेबी के हेड पे डालूंगी। तो बास्केट हो गया है मेरा रेडी। अब मैं उसके साइड का जो बैकग्राउंड है वो रेडी करना चाह रही हूँ। आप कोशिश करिए कि हमेशा वाइट कलर का ही नीचे का बेस और बैकग्राउंड दें, क्योंकि उसमें फ़ोटोज़ और भी अच्छे आते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो आप घर बैठे भी प्रोफेशनल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। कोशिश करिए कि बेबी का मूड अच्छा रहे, उसको अच्छे से उसका पेट भरा हुआ रहना चाहिए, तो बेबी का मूड भी अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो पैसिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं उसे काम रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सेटअप से कितने प्यारे पिक्चर्स आए हैं। ये घर बैठे काफ़ी प्रोफेशनल है, आपको किसी को बुलाने का ज़रूरत नहीं, आप खुद भी ऐसे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब ये सेकंड फ़ोटोशूट का मैं रेडी कर रही हूँ सामान। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक कपड़े टांगने का जो क्लिप्स होता है वो परचेस करी, और एक अच्छा रस्सी जो होता है वो परचेस करी। एक ब्लू कलर का टेबल क्लॉथ परचेस करी, पर आप चाहे तो बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, बेडशीट में और भी अच्छा आता है पिक्चर्स। और ये बेबी के कुछ कपड़े हैं, और मैंने ये येलो कलर का एक पेपर है जिसको मैं एक सन के शेप में कट कर ली हूँ। अब ग्राउंड में जो है जहाँ पर अच्छी लाइट हो वहाँ पर आप ब्लैंकेट डाल लें, या फिर आपके पास अच्छे कुशन है तो वो डाल लें। आप श्योर करें कि कुछ अच्छा गद्दे जैसा रहे ताकि बच्चे को आप नीचे डाल सकें। और फिर लास्ट में सेटअप कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बीच में आप बेबी को रख दें और उसके सारे पिक्चर्स क्लिक कर लें। ये सारे पिक्चर्स जो है थोड़े बड़े बच्चों का और भी अच्छा दिखता है, जो 3 मंथ्स के हैं, 4 मंथ्स के हैं। मेरी बेबी अभी बहुत छोटी है, पर फिर भी ये पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आए। नेक्स्ट फ़ोटोशूट के लिए मैंने ये ड्रेस ऑनलाइन ली जो मिनी माउस का है। ये अमेज़ॉन में US में भी मिलता है और इवन इंडिया में भी मिलता है, आप ये भी परचेस कर सकते हैं। काफ़ी क्यूट ड्रेस है और आप इसमें देख सकते हैं कितने प्यारे पिक्चर्स आ रहे हैं। पर आप ये श्योर करिए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का रहे ताकि फ़ोटो और खिल के आए, क्योंकि आप अगर डार्क बैकग्राउंड में खींचेंगे तो वो अच्छा नहीं आता है। अब नेक्स्ट फ़ोटोशूट के लिए मैंने ये छोटा सा बॉक्स जैसा है इसको कट कर ली मैंने चारों तरफ से। उसके बाद इसके अंदर जो है मैंने एक ब्लैंकेट को प्लेस करी, क्योंकि मेरा ये फ़ोटोशूट जो है वो पिंक कलर का है, तो मैंने पिंक कलर का ब्लैंकेट का इस्तेमाल की। ये बेबी का ब्लैंकेट है।
उसके बाद मैंने वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स का इस्तेमाल की। आप चाहे तो कोई और कलर के भी फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बॉक्स के कॉर्नर में पूरे जो भी फ्लावर्स है उसको मैंने डाल दी, और उसके बाद एक जो पूरा बंच है फ्लावर का उसको मैंने ये बॉक्स के नीचे में प्लेस कर दी। यहाँ ये फ्रंट पार्ट रहेगा फोटो का, इसलिए इसको ऐसा प्लेस करी मैंने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसका सेटअप का टाइम आ गया। अब टाइम था इसका नीचे का बेस रेडी करने का। बेस रेडी करने के लिए मैंने लाइट पिंक कलर का एक बेडशीट ली। आप चाहे तो वाइट कलर का भी ले सकते हैं। आप कोशिश करिए कि लाइट शेड का ही बैकग्राउंड रखें ताकि पिक्चर्स अच्छे क्लियर और सुंदर आए। डार्क कलर यूज़ करने से पिक्चर्स अच्छे नहीं आते हैं। सो मैंने उसके सारे बाजू में पूरे वाइट कलर के फ्लावर्स डाल दी, क्योंकि ये जो फोटोशूट है एक बटरफ्लाई थीम का है, तो बटरफ्लाई थीम के साथ फ्लावर बहुत अच्छा जाता है। फ्लावर्स डालना चाहिए और भी सुंदर दिखता है। तो ये मेरा सेटअप कंप्लीट रेडी हो गया। अब मैं वेट कर रही हूँ ताकि मेरी बेबी एक अच्छे मूड में आए और इस फोटोशूट को एंजॉय करें। तो ये कंप्लीट सेटअप ऐसा दिख रहा है। अब टाइम है बेबी को इसके अंदर प्लेस करने के लिए। आप जब भी बेबी को ऐसे चीज़ में प्लेस कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप अपना हाथ बहुत सॉफ्ट रखें और आराम से टाइम लेके उसे प्लेस करें। आप देख सकते हैं पिक्चर्स कितने अच्छे आए हैं। सो ये परफेक्ट फोटोशूट है। आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आपको किसी प्रोफेशनल को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और घर पे भी अच्छे पिक्चर्स निकाल सकते हैं। ये एक और मेरा लास्ट फोटोशूट के लिए मैंने ये वाइट कलर का नीचे का बेस ही बनाई। वो सेम कार्डबोर्ड जो रखा हुआ था, वो कार्डबोर्ड का बॉक्स, उसी को यूज़ करी मैं। उसके पीछे मैंने एक कुशन प्लेस करी ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे। अब जो मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ वो है, वो क्रिसमस ट्री पे डेकोरेशंस पे लगता है। आप किसी भी क्रिश्चियन के घर पे ये अवेलेबल रहता है, या फिर आप शॉप से भी परचेस कर सकते हैं। ये सारे जगह मैंने प्लेस कर दी। उसके बाद बेबी को उस बॉक्स में डाल के धीरे से बेबी को उसमें प्लेस करने के बाद आप मेक श्योर करिए कि बेबी का मूड अच्छा है, नहीं तो पिक्चर्स अच्छे आते नहीं हैं, रोने रोने वाले पिक्चर्स आते हैं सारे। उसके बाद मैंने ये जो डेकोरेशन है जो क्रिसमस ट्री के ऊपर लगता है, इसको मैंने हर जगह स्प्रेड कर दी। सो ये फोटोशूट का मेरा थीम ये है कि ये एक क्रिसमस गिफ्ट का थीम है, और एक छोटा सा रेड कलर का फ्लावर जो है वो मैं उसके हेड के लिए बनाई। फ़ोटोज़ तो हम कैसे भी क्लिक कर लेते हैं, पर फ़ोटो को एडिट करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी में ही उसका मेन जो है क्वालिटी उसी में आता है। सो ये फ़ोटो एडिट करने के लिए मैंने ये ऐप को इस्तेमाल की। आप देख सकते हैं, आप भी चाहे तो ये ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऐप है और बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपल तरीके से आप इसका एडिटिंग कर सकते हैं। आप देखिए मैं इसमें ये पिक्चर एडिट कर रही हूँ, और बहुत सिंपल वे है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, और ये काफ़ी प्रोफेशनल भी दिखता है। सो फ्रेंड्स, आप घर बैठे भी अच्छे प्रोफेशनल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। आपको अगर मेरा आइडियाज़ अच्छा लगा हो उसको यूज़ करिए, और आप देखिए कि आपके भी बेबी के पिक्चर्स बहुत अच्छे आएंगे।
सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं आपके लिए और भी नेक्स्ट और भी वीडियोस लेके आऊँगी।